रिसेंट वाले न्यूज़ के बारे में अगर आपको पता हो, रिसेंटली सोनाली कुलकर्णी शी सेड दैट इंडियन वुमेन्स आर लेजी, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? I think honestly I feel maybe she was referring in some other terms and we have interpreted in a different terms. But you know, Indian women in anywhere of the world can't be lazy. Like really we can't be lazy. Look at us, look at her, look at Dubai, look at all of you, yeah. I mean none of us. Women can't afford to be lazy, right? I think we are meant to be working. Working at home, working outside, taking care of everything. There's so many responsibilities happening. So, no, women can't be lazy for sure. Ma'am, what you would like to say for the Perfect Woman Award, as although you are also present over here, as well as other women, what you would like to say for them? What are the inspirations? What are the message from yours? Okay, so recently I have become a mother. And after becoming a mother, I have realized that we women stop giving ourselves importance and time. So this would be my biggest message to all the women out there, that please start giving yourself priority. Be a little more selfish for yourself. Then only you would be able to give better to your family. बिल साथ ही तारक मेहता की अगर बात करें, क्या कुछ आप उस बारे में कहना चाहेंगे सभी फैंस को? क्योंकि हमेशा से लोगों के अंदर एक वो रहता है कि हाल ही में हमने देखा रेटा रिपोर्ट है चेंज होना, फिर डॉक्टर का चेंज होना, दो बार कहीं ना कहीं बंद का जो एक नज़रिया था कहीं ना कहीं वो बदल रहा है, आपका क्या कहना है? मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी तक रीटा रिपोर्टर नहीं, रीटा चेंज नहीं हुई है. ओनली थिंग इज कि सिंस आई डिलीवर, मैं तारक मेहता में थोड़ा कम जाती हूँ. ऑफकोर्स इट्स अ ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग विद द प्रोड्यूसर, सो व्हेनेवर आई एम रिक्वायर्ड ऑन द शो ओनली दैट टाइम आई अर्लियर आई यूज्ड टू गो अ लॉट, लाइक यू नो इन एवरी इवेंट रीटा रिपोर्टर यूज्ड टू बी देयर, बट करंटली दे आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई कैन बैलेंस माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ नाइसली. और जो आपका दूसरा सवाल है कि बाकी के कैरेक्टर्स जो चेंज हो रहे हैं, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं. यू कैन प्लीज आस्क द प्रोड्यूसर, इट्स देयर अंडरस्टैंडिंग, बट आसिफ भाई हैज बीन रियली अमेजिंग एंड स्वीट विद मी, सो आई जस्ट हैव गुड वर्ड्स टू से. हाउ इज इट फील खुद वुमेन होकर ऐसे अवार्ड में आना जहाँ पर वी आर एक्नॉलेजिंग द वुमेन अचीवमेंट्स, तो कैसा लगता है? व्हाट्स द फील? पावर की बात करना और एक टाइटल जो कि परफेक्ट वुमन टाइटल है वो देना और वो किसी से लेना और किसी को अवार्ड देना, इट इज़ रियली रियली अमेजिंग फीलिंग. मुझे लगता है कि इससे बेटर हो नहीं सकती, सो यू कैन सी ऑल स्माइल ऑन माय फेस, सो इट्स रियली हैप्पी. ओ वुमनिया, या कहूँ सुपर वुमनिया का दर्जा अक्सर हर महिला, हर फीमेल, हर वुमेन को दिया जाता है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर करते हैं. हु इज दैट वुमनिया ऑफ योर लाइफ हु इंस्पायर? माय मदर ऑब्वियसली, माय सिस्टर, बिकॉज़ दे हैव बीन स्टूड वेरी स्ट्रांगली विद मी इन ऑल द सिचुएशन. सो यस, वैसे सोसाइटी में देखने जाए तो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि स्मृति ईरानी है, इंदिरा गांधी जी हैं, सुषमा स्वराज जी, बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, बहुत पॉलिटिशियंस हैं, बहुत लोग. अभी निर्मला सीतारामन जी जो है हमारी बहुत स्ट्रांग है, इतना पूरे देश का बजट देखती है. सो ये सारे लोग इंस्पायर हमेशा से करते आए हैं और करते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने इंस्पायरिंग वाला काम किया है. मुझे लगता है कि बेस्ट फीलिंग है और इतने अच्छे लोगों को और इतने ब्यूटीफुल लोगों को हम इंस्पायरिंग लोगों को हम वो हमें इंस्पायर करें, मुझे